नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चंडीगढ़ बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलाई के काम में काम आने वाली चीजों के बारे में बताने वाला हूं। काफी टाइम से हमारे पास कमेंट आए हुए थे कि पूछा जाता था कि ये बुकरम कौन सी है, टैट्रोन कौन सी है, पेपर फ्यूज क्या होती है, लट्ठा पेस्टिंग क्या होती है। तो एक एक चीज मेरे दिमाग में नोट थी, तो आज मैं सिलाई के काम के रिलेटेड जितने भी आइटम होती हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको आज नॉलेज दे दूं, कि एक एक पॉइंट में आपको समझा दूं कि हम कौन सी चीज कहाँ पे यूज करते हैं और कौन से नंबर की सुई कहाँ पे यूज करनी होती है, किस तरीके से बटन बनाए जाते हैं, किस तरीके से जींस में जो बटन लगता है वो लगाया जाता है, धागा डालने के कौन कौन से यंत्र मार्केट में आए हुए हैं, कौन सी चीज अच्छी होती है सिलाई के काम में और कौन सी चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने सारा सामान आपके लिए रखा हुआ है समझाने के लिए कि क्या क्या मार्केट में नई चीज आती है और किस तरीके से हमें उसे यूज करनी चाहिए। सबसे पहले तो दो तीन नॉर्मल चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये इंची टेप है, तो इंची टेप जब भी लो आप क्राउन का लो, अच्छी कंपनी का होता है क्राउन का। अगर हम हल्का लेते हैं तो उसमें मजा नहीं आता और उसके जो नंबर होते हैं वो भी पॉइंट पॉइंट में कम ज्यादा होते जाते हैं, तो आपने क्राउन का इंची टेप लेना है। सिलाई के काम जब भी करते हो तो क्राउन का ही इंची टेप लें, ये ध्यान रखें। इसके बाद हम सेफ्टी की और यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखिए ये तो सभी के पास बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल ओके, सभी को पता है ये नॉर्मल होता है स्केल, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप कोई सी भी कंपनी का ले लो, ये ठीक आएगा। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी जो है आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जो सेफ्टी होती है इसमें सेफ अलग अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ी ज्यादा सेफ है लेकिन इसमें कम वाली भी आती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके की सेफ्टी चाहते हो, अगर आपके पास इस तरीके की सेफ्टी है ज्यादा सेफ वाली, तो आपको यहाँ पे सेफ कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा एक आइडिया लेना होगा। जैसे कि मैं हर पैंट प्लाजो जब भी कटिंग करता हूँ तो आपको इसी सेफ्टी के द्वारा समझाता हूँ, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो सेफ्टी आप जब भी लो इसी सेव की लो, इससे आप कम ज्यादा कर सकते हो, आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे मार्केट में जो चीज आजकल नहीं आई हुई है, कटवर्क। देखिए यहाँ पे ये कटवर्क आपने देखा होगा, जब भी हम कटवर्क डालते हैं तो हमें कटिंग करने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मार्केट में क्या आया है नया, बिल्कुल फ्रेश चीज, ये कटवर्क वाली पट्टी आई है। ये एक पट्टी ये पेस्टिंग वाली है, इस पे नीचे गोंद लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से मैं आपको हल्का सा यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखिए गोंद के दो दाने ऐसे हमारे आ जाएंगे, ये मैंने हल्का सा घसा है। और इस ये जो है इसमें फिनिशिंग पूरी आती है, मतलब हम और इस जब भी इसको पेस्ट करके अच्छे से कटवर्क कहीं पे भी लगाएंगे बनाएंगे, जैसे पैंट प्लाजो की मोहरी में, या फिर आप इसको चाक में या घेरे में, कमीज के दामन में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और मेन चीज क्या है, जो इसकी कटिंग है उसमें बिल्कुल भी आपको फर्क नहीं मिलेगा और बड़ी ही फिनिशिंग आएगी, इस तरीके का ये कटवर्क वाला पट्टी है। और इसके रेट की बात करें तो ये 8 रुपए मीटर तो लूज में मिलती है, लेकिन ये 10 मीटर का जो रोल है मैं लेकर के आया हूँ, ये मुझे 70 रुपीज का मिला है, 70 रुपए का। इसी प्रकार एक जाली वाला कटवर्क आया है, जैसे कि ये कटवर्क आप किसी भी कपड़े में यूज कर सकते हो, लेकिन जो जाली वाला कपड़ा ये होता है कटवर्क, ये इसमें पेस्टिंग नहीं है, ये थोड़ा सस्ता जरूर होता है, लेकिन ये भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो। दोनों कटवर्क हमारे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग वाले हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि कटवर्क की ये क्वालिटी यहाँ पे आई हुई है दोनों की। एक आती है, इसके बाद आ जाते हैं पट्टी के ऊपर, ये रोल आता है पूरा, लेकिन मैं रोल नहीं लेकर आया हूं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं होती, ये सलवारों की लिए रोल आता है। इसमें एक साइड में पेस्टिंग लगी होती है, और ये क्या मेन चीज क्या होती है कि जब भी हम यहाँ पे सलवार की मोरी में ये वाली पट्टी यूज करते हैं तो ये सुकड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुकड़ेगी, और इसमें पूरी फिनिशिंग आएगी आपको, ये हल्की जालीदार होती है और बहुत ही अच्छी ये पट्टी है। अगर आप मोरी में यूज करते हो तो बहुत ही ज्यादा इसमें फिनिशिंग आती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी कम ज्यादा भी आती है, जैसे ये हमारी 2.25 से 2.5 इंच की है तो इसमें 3 साढ़े 3 इंच वाली भी पट्टियां आती हैं, आप कोई भी ले सकते हो। जहां से आपका सिलाई का सामान आता है वहीं से ये सारा सामान मिलता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में आने में टाइम लग जाता है, लेकिन
आपने यहाँ पे दुकानदार को बोल देना है कि हमें इस तरीके की पट्टी चाहिए जिसमें एक साइड में पेस्टिंग होती है, तो वो आपको हम आसानी से हफ्ते दो हफ्ते में लाके दे देंगे। फिर उनकी भी अच्छी सेल हो जाएगी अगर आप इस तरीके से आइडिया देते हो, और हमारी वीडियो दिखा दोगे तो वो समझ जाएंगे इस तरीके की आइटम आती है। अब एक चीज आ जाती है, जैसे आपके सूट में किसी में कट वगैरह लग जाता है, जैसे कट वगैरह लग गया तो एक आती है ये रिवर्सिबल टेप, इसमें दोनों साइड में पेस्टिंग होती है, ये चिपकन होती है दोनों साइड में। जैसे कि अगर किसी भी कपड़े पे आपका हल्का फुल्का कट लग जाए या पहले से ही फट जाए, तो आपने उतना ही लंबाई चौड़ाई वाला इस तरीके से पीस कट कर लेना है, और उसको उल्टी साइड रॉन्ग साइड में कट पे रखते हुए इस तरीके से कट पे रखना है। ऐसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये नजर नहीं आएगा, इस पट्टी पे दिखा देता हूं, यहाँ पे ऐसे रखना है और इसके ऊपर फिर इतना ही पीस काट के रख देना है और प्रेस से अच्छे से प्रेस कर लेना है, तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा, मतलब इसमें कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है हमारी रफू वाली एक तरीके से टेप भी बोल सकते हो आप इसको, रिवर्सिबल टेप है और ये ज्यादा महंगी नहीं, 2.5 से 3 रुपए मीटर आती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं आती। 1 मीटर भी आप घर में रखोगे तो आपकी बड़े टाइम तक ये चलती जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ आइटम मैंने यहाँ के नीचे की आपको दिखाई है। अब आ जाते हैं हम एक इस तरीके की, मार्केट में आज आपने देखी होगी ये वाली पट्टी आई हुई है, इसको फोम सीट भी बोलते हैं। एक तो फोम, दूसरी होती है स्पंज, लेकिन ये जो फोम सीट है ये वाली, या तो ये बैग में यूज होती है, जो बैग बनाए जाते हैं, ये मीटर के हिसाब से भी आती है, पट्टी के हिसाब से भी आती है, या फिर ये मोहरी में यूज होती है। अगर जिसको गद्देदार और बहुत ही अच्छे पोंछे चाहिए होते हैं तो उसमें ये वाली जो रबड़ सीट है ये वाली यूज होती है, और ये बहुत सस्ती होती है, ज्यादा महंगी नहीं होती है। ये भी आपको 27-28 रुपए पर मीटर मिल जाती है, ज्यादा कॉस्टली ये नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं बता देता हूं सिलाई के काम में क्या क्या चीज हमें यूज, यंत्र जिसको बोलते हैं एक तरीके से। देखिए, एक तो ये सभी आलपिन, सभी को पता है आलपिन होती है, ये हम अस्तर वगैरह जो अटैच किए जाते हैं उनमें यूज हो जाती है। अस्तर हम पिनअप कर लेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारी यूज हो जाती है, इस तरीके से आती है। एक अभी मार्केट में नई चीज आई है ये वाली, ये क्या है कि ये धागा डालने के लिए है। इसकी मैं वीडियो की क्लिप लगा दूंगा, ये आप देख लो, इसी के बाद आपकी यहाँ पे ये क्लिप आएगी। इसमें धागा डालने का तरीका बताया गया है कि कैसे धागा डालते हैं, और ये सुई में, हाथ की सुई में भी और मशीन में भी, ये दोनों साइड में, इधर से मशीन में डलता है और इधर से हाथ की सुई जो होती है उसमें डलता है। आप इसको परचेज कर लें और इसको चलो सीख लेते हैं, जानते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया था ये यंत्र कैसे काम करता है, धागा कैसे डालते हैं सुई में, मैं आपको बताने वाला हूं। जितनी लंबाई का आपको धागा डालना हो उतनी लंबाई का आप यहाँ पे कट करें ऐसे, और यहाँ पे इस यंत्र को ऐसे पकड़े, और यहाँ पे जो सुई है ये उल्टी साइड से, जो एक छेद इधर है एक इधर है, उल्टी साइड से हम यहाँ पे इस छेद में डालेंगे ऐसे, और डालने के बाद इसको हम प्रेस करेंगे नीचे से, यहाँ से ये येलो वाला बटन जो है ये हम ऐसे दबा देंगे। दबने के बाद यहाँ पे एक नक्का हमारा ऊपर की साइड निकल आएगा, यहाँ पे ये नक्का हल्का सा ये निकल आएगा, और यहाँ पे हम धागा ऐसे रख देते हैं इस तरीके से। अब हम इसको छोड़ देंगे, तो छोड़ने के बाद हमारा जो धागा है ये सुई का जो नक्का होता है उसमें डल चुका है। अब हम इसको आसानी से ऐसे निकाल लेंगे, ये देखिए ये हमने निकाल लिया है, और यहाँ पे हमारा धागा ऐसे डल जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है ये डालने का, और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी जैसे नजर कमजोर हो जाती है तो ये बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों, एक मार्केट में ये चीज है, ये क्या आता है, ये हम कोई भी सिलाई खोलनी होती है तो उसके लिए ये यंत्र आता है। तो इसको क्या मतलब, इसमें क्वालिटी अलग आती है। एक जो ये वाला मैंने लिया है ये है 20 रुपए का, लेकिन ये 5 रुपए से 10 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये 20 रुपए वाला लिया है मैंने, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी वाइज इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, तो आप एक ये भी जरूर रखें। एक सिंपल सी चीज है कटर, यहाँ पे ये कटर, बार बार अगर आप बड़ी कैंची उठाते हो
ये वाली कैंची, तो ये भारी होती है, लेकिन अगर हमें सिंगल धागा काटना होता है तो इससे हम यहाँ पे आसानी से काट लेंगे और ये बिल्कुल सही भी रहता है। इसमें आपके हाथ में भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि बार बार बड़ी कैंची उठाने से दर्द वगैरह भी हो जाता है। अब आ जाती है बात जिप की। देखिए यहाँ सामान मैं काफी लेकर के आया हूँ। जिप हमेशा जो हम पैंट प्लाजो में लगाते हैं वो दो तरीके की जिप आती है। एक तो आती है ये वाली जिप, इसको कंसील्ड जिप भी बोलते हैं, और इसको बारीक कुंडे वाली जिप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये बिल्कुल बंद हो जाती है। मेन चीज क्या है कि ये जिप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, और इसमें एक बार आप लगा दो तो ये खराब होने का मतलब नहीं है। जो जिप आती है, एक ये भी आती है इस तरीके की, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कभी भी आप ये वाली जिप ना लें। जो आप ये खाकी कलर की देख रहे हो, ये कभी भी ना लें, ये गलत जिप होती है। और क्वालिटी तो इसमें भी बहुत आती है, लेकिन ये रिस्की जिप होती है, मतलब ये खुलने का इसका डर रहता है। तो क्वालिटी वाइज आपकी ये वाली येलो वाली जिप बेस्ट है, छोटे कुंडे वाली बारीक कंसील्ड जिप जिसको बोला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो आते हैं टिच बटन। टिच बटन काफी क्वालिटी के मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन इनमें लोकल और ओरिजिनल का फर्क लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप कई बार हम भी नहीं लगा पाते। एक तो 555 आता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। एक ये वाला भी अगर ओरिजिनल आपको मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और इसमें आप एक दो बार ये देखोगे तो आपको ओरिजिनल का और डुप्लीकेट का पता लग जाएगा। एक बार में ये बंद हो जाता है। अगर डुप्लीकेट होगा तो वो आपको एक बार में बंद नहीं होता, मतलब दिक्कत आती है, फिर कस्टमर की कंप्लेंट आती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। और निशान चौक की बात करें तो आप कोई भी ले ले, ज्योति वगैरह के बहुत आते हैं मार्केट में, मैं भी यही यूज करता हूँ। सभी कलर के बहुत अच्छे हैं इस तरीके से जो आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बटन की। ये आपने देखा होगा यहाँ पे जींस का बटन। तो जींस का बटन मैं आपको बता दूं, ये आप घर में ही लगा सकते हो। मैंने देखा है जैसे हमारी शॉप पे भी कई लोग आते हैं कि बेटा ये आप जींस का बटन लगा दोगे, तो हम बोल देते हैं कि जी लगा देंगे, लेकिन ये आप घर में भी लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब लगाया कैसे जाता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए जो भी आपका जींस है जहाँ पे आपने बटन लगाना है, हल्का सा यहाँ पे रोंग साइड में, अगर ये तो सिंगल पीस है तो ऐसे भी निकल जाएगा, नहीं तो आपने यहाँ पे कैंची की मदद से या किसी चीज की मदद से हल्का सा एक इस तरीके से हल्का सा एक ऐसे कर लेना है। कील वगैरह घर में होती है, कुछ भी हो तो ऐसे यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल लें इसको। तो कैंची से नहीं हुआ दोस्तों, तो मुझे हल्की सी यहाँ पे कील ही यूज करनी पड़ी है। तो सभी के घरों में होती है ये चीजें। ऐसे यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा ले। अब सिंपल सा काम है, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हुए, बिल्कुल किसी भी चीज पे ठोस होनी चाहिए नीचे की चीज, और ऊपर की साइड यहाँ पे आपने रख लेना है बटन। बटन हमने रख लिया है, अब हम इसको ऐसे कैसे ही पलट लेते हैं। सीधी साइड में आपने चोट नहीं मारनी है, जो रोंग साइड है यहाँ पे आपने इस तरीके से रखते हुए चोट मारनी है हथौड़े से। इस तरीके से जब हम चोट मारेंगे तो यहाँ पे ये बटन फिक्स हो जाएगा, और ये खुलेगा नहीं बिल्कुल भी, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, ये घर में भी आप लगा सकते हो बटन, आपको बाहर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो दोस्तों बटन लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ दिखाया है, मतलब अभी काफी आइटम मेरी दिखाने वाली रहती हैं, जैसे कि सुई वगैरह है, सुई कौन कौन सी हमें किस नंबर की सुई कहाँ पे यूज करनी चाहिए और कौन सा कपड़ा होना चाहिए, तो एक एक चीज हम अभी आगे जानेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, अब सुई से ही ले लेते हैं कि सुई को हमें कौन से कपड़े पे कैसे यूज करनी चाहिए और कौन से नंबर की हमारे पास यहाँ पे सुई होनी चाहिए। तो दोस्तों सुई की बात करें तो सभी के पास जो निडल होनी चाहिए, जो सुई होनी चाहिए हमारे पास, जैसे 11 नंबर से और 18 नंबर तक होनी चाहिए, मतलब चार साइज होने चाहिए हमारे पास सुइयों के, आपने ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 11 नंबर की। जो 11 नंबर है 11 नंबर, ये हमें कौन से कपड़े पे यूज करनी होती है। देखिए एक कपड़ा आता है साटन का, ये साटन आता है या साटन सिल्क आती है, तो इसके जो धागे होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं, आप बिल्कुल रोएबर के होते हैं, तो इसी कारण से इसमें हमें यहाँ पे 11 नंबर की सुई यूज करनी होती है।
दूसरा कपड़ा हम 11 नंबर से जो सिलते हैं वो होजरी वाला कपड़ा होता है, जो पजामो वाला कपड़ा होता है होजरी का, वो कपड़ा भी हम यहाँ पे 11 नंबर वाली सुई से ही सिलेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम 14 नंबर की। देखिए ये 14 नंबर की सुई है, ये आमतौर पे सभी जगह यूज हो जाती है, जैसे कि हम कपड़े जो सिलते हैं लेडीज कपड़ों में हमेशा 14 नंबर सुई यूज की जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। 14 नंबर के लिए लेडीज कपड़ों के लिए सबसे बेस्ट है 14 नंबर। इसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पे 16 नंबर की नीडल। देखिए 16 नंबर की नीडल जो है, जैसे हम यहाँ पे कहीं जिप लगाते हैं, इस तरीके की जिप हो और इसमें डबल कपड़ा हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो हम 16 नंबर यहाँ पे यूज करते हैं, ना कि 14 नंबर या 11 नंबर। तो आपने 16 नंबर की सुई आपने जो मोटा कपड़े होते हैं थोड़े उन्हीं पे यूज करनी होती है, तो ये 16 नंबर का काम होता है 16 नंबर का। इसके बाद आ जाती है हमारी जो बड़ी सुइयों में आती है, मतलब 18 नंबर की नीडल, ये कहाँ पे यूज होती है। देखिए 18 नंबर की जो नीडल है, जैसे जींस वगैरह या मोटी पैंट होती है तो उसमें हमारी 18 नंबर की सुई चलती है, ये आपने ध्यान रखना है। उसमें अगर आप 14 नंबर या 16 नंबर चलाओगे तो वो टूट जाएगी या मुड़ जाएगी, तो ये भी आपको दिक्कत आती है। तो मोटे कपड़े जो होते हैं जींस वगैरह के, या जैसे जींस में आपने जिप लगानी है या नीचे से फोल्ड करनी है, तो आप यहाँ पे 18 नंबर यूज करें। तो सुइयों की मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं हम एक और नई चीज के बारे में, जिसकी सभी को डिमांड थी कि ये आपके पास क्या क्या चीज होती है जो हम सिलाई में यूज करते हैं। देखिए ये इसको बोलते हैं बुकरम पेस्टिंग, पेपर फ्यूज, लट्ठा पेस्टिंग, इस तरीके की ये सभी आइटम होती है जो हमें सिलाई के काम में यूज करनी होती है। अब इनकी नॉलेज क्या है कि किस तरीके से आप यहाँ पे दुकान पे जाके इनको बोलो, तो इनका मैं रेट भी साथ साथ बताऊंगा और क्वालिटी भी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इनकी क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं पेपर फ्यूज के बारे में। इसका नाम जो है पेपर फ्यूज है, ये कहाँ पे यूज होती है, जैसे हमें किसी कपड़े में, जैसे पतला कपड़ा है और हम अगर उसको सिंगल सिलेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, जैसे नेक वगैरह, जैसे रेडीमेड नेक है हमें पलटने होते हैं, तो हम उतना ही 9x9 का पीस लेंगे और किसी कपड़े के ऊपर चिपकाते हुए उसके बाद जब हम पलटेंगे तो यहाँ पे पूरी फिनिशिंग आएगी। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक साइड में इसमें शाइनिंग होती है और ये बिल्कुल जैसे कागज होता है इस तरीके का होता है, बिल्कुल हल्का, ये हल्का होता है, इसका कोई मतलब ऐसे नहीं आप किसी भी कपड़े पे चिपका दोगे, ये धुलने के बाद निकल जाता है, कोई इसका इश्यू नहीं होता, सिर्फ हमें फिनिशिंग के लिए ही यहाँ पे यूज करना होता है ये वाला, ये आइटम। इसमें क्वालिटी की बात करें, एक तो आती है प्लेन क्वालिटी, ये वाली प्लेन क्वालिटी है, क्वालिटी ये भी अच्छी होती है, अगर आपको ये मिले ये ले लो। और दूसरी जो क्वालिटी आती है वो आती है दानेदार, जो दानेदार क्वालिटी है ये थोड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, ये सॉफ्ट होती है और इसको आप जैसे कॉलर वगैरह है वहां पे भी यूज कर सकते हो, नेक लाइन में बनाते हुए भी इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी रहती है, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दाने दाने से हैं और इसमें भी एक साइड में चिपक होती है, मतलब गोंद लगी होती है जो कि प्रेस से चिपक जाती है कपड़े के ऊपर। और इसकी रेट की बात करें तो ये 20 रुपए मीटर है, दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और 20 रुपीज पर मीटर यहाँ पे ये मिलती है मार्केट में। आपने पेपर फ्यूज के नाम से पूछनी है, तो सभी कमेंट करके पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि ये आप क्या चीज यूज करते हो, पेपर फ्यूज क्या होता है, पेपर पेस्टिंग क्या होता है, तो इसको पेपर फ्यूज के नाम से आप मार्केट में जाके ले सकते हो। और अगर फिलहाल उनके पास कहीं बार नहीं होती तो आप उनको बोलोगे और ये वाली वीडियो दिखाओगे तो जरूर उनको समझ आ जाएगी कि हाँ ये चीज आप मांग रहे हो, तो आगे से वो होलसेलर से ला के आपको दे देंगे। तो दोस्तों दोनों पेपर पेस्टिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें जो हल्की होती है 12 रुपए से 15 रुपए मीटर वाली, वो कढ़ाई के काम में यूज करते हैं, उसमें नीचे की साइड पेस्टिंग नहीं होती, जो सिलाई के काम में यूज होती है वो ये पेस्टिंग होती है, आपने देखा भी होगा हर वीडियो पे, क्योंकि इसमें चिपकन होती है। तो दोनों ये हो गई है हमारी पेस्टिंग। इसके बाद आ जाते हैं हम बुकरम पे। देखिए ये बुकरम होती है पेस्टिंग वाली और ये बुकरम होती है हमारी, जो ये वाली बुकरम है ये विदाउट पेस्टिंग होती है। तो जो विदाउट पेस्टिंग होती है ये हम पोंचों में भी यूज कर लेते हैं, गले में भी यूज कर लेते हैं, या किसी डिजाइन वगैरह बनाने के लिए भी ये यूज की जाती है। लेकिन
अगर आप फिनिशिंग का काम चाहते हो तो आपको ये वाली जो बुकरम होती है पेस्टिंग वाली, ये वाली जरूर लेनी चाहिए और एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे आप देखोगे। और ये मेन चीज क्या है, ये सॉफ्ट रहती है, मतलब जहां पे भी आप लगाओगे इसको, कॉलर में भी लगती है जो जेंट्स शर्ट के कॉलर बनते हैं, कपों में भी लगती है जो कप बनते हैं, या फिर हम जैसे गलों में यूज करते हैं जो नेकलाइन में तैयार करता हूँ डिजाइनर, तो वो इसी बुकरम से करता हूँ। और इसकी रेट की बात करें तो ये हमें यहाँ पे 80 रुपये मीटर पड़ती है, 80 रुपीज पर मीटर। और यहाँ पे मैं दूसरे वाली की बात करूं, जो ये वाली बुकरम होती है, ये हमें यहाँ पे पड़ती है 35 रुपीज पर मीटर। लेकिन इसको हम कम यूज करते हैं क्योंकि हमारा काम है कि क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, जब हम ग्राहक को काम दें तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का करके दें, तो हम इसको कम यूज करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने अच्छी क्वालिटी के लिए पेस्टिंग यूज कौन सी करनी है, ये वाली पेस्टिंग, जो कि हमारी ये तकरीबन 80 रुपये तो यहाँ मिलती है, कई जगह 5 रुपये सस्ती या ज्यादा भी मिल सकती है। तो ये हो जाती है हमारी बुकरम की क्वालिटी। दोस्तों क्वालिटी बहुत आती है मार्केट में, लेकिन ये थोड़ा सा आपको काम करके एक बार जब आप ले लोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की आपको क्वालिटी यहाँ पे चाहिए होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लास्टिक के बारे में। यहाँ पे ये लास्टिक का रोल है, ये मैं शॉप से लेकर आया हूँ, अपनी शॉप से जो हम रोल लेते हैं वो हमें 220 रुपये का पड़ता है यहाँ पे इस तरीके से। और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर ये मार्केट में हम लूज लेते हैं तो ये हमें 12 रुपये मीटर पड़ती है 1 इंच चौड़ाई वाली। इसकी जो चौड़ाई है हमारी 1 इंच की होगी और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। इस तरीके से जो ये यूज की जाती है पैंट प्लाजो में, आजकल बैक साइड में डालते हैं, आप पूरे प्लाजो में डालते हैं, ये वाली 1 इंच वाली यूज की जाती है। 1/2 इंच वाली ना लगती और ना ही 1.5 इंच वाली लगती, तो ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम भी और सभी यही यूज करते हैं 1 इंच चौड़ाई वाली लास्टिक। एक बारीक लास्टिक आजकल बड़ा ट्रेंड है, कोरोना काल चल रहा है, तो जो ये बारीक लास्टिक है ये मास्क के लिए होती है और ये 2 से 2.5 रुपये पर मीटर होती है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये सॉफ्ट रहती है। और ये जैसे लास्टिक घूम के हमारे कानों के पीछे आती है तो ये चुभती नहीं, जो एक हार्ड होती है लास्टिक वो चुभती है, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी ही सॉफ्ट है। तो दोस्तों सिलाई के काम की काफी जानकारी मैंने दी है और जाहिर सी बात है आपको पसंद आई होगी। एक लास्ट जानकारी मैं आपको और दे देता हूं यहाँ पे, जो कि बटन बनाने की है। तो दोस्तों बटन बनाने वाली मशीन होती है और सभी टेलर आजकल रखते हैं, क्योंकि बटन बनाने के लिए बार बार दौड़ना भागना पड़ता है अगर हम मार्केट में बनवाएं। और इसका ये बड़े ही सस्ते पड़ते हैं बटन, अगर हम मार्केट से बनवाते हैं तो हमें 5 रुपये का या 3 रुपये का एक बटन पड़ता है, लेकिन अगर हम घर में ही तैयार करें तो ये आपको एक मात्र 10-20 पैसे में ही एक बटन पड़ जाता है। तो आइए सीखते हैं बटन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे बटन बनाने के लिए डाई वाली एक मशीन आती है और इसकी आती है कुछ ये इस तरीके से डाई। यहाँ पे ये डाई है हमारी, ये बड़ी डाई है जिसको 58 साइज बोलते हैं, ये छोटी डाई है जिसको 54 साइज बोला जाता है। और ये है इसकी मशीन जो कि हमें यहाँ पे प्रेस करते हुए डाई यहाँ पे प्रेस होते हैं और यहाँ पे बटन हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो फटाफट से सीख लेते हैं किस तरीके से बटन बनाए जाते हैं। ये है हमारे पास बटन, तो यहाँ पे मैं दोनों साइज के आपको बना के दिखाऊंगा। ये 58 साइज है और यहीं पे होगा 54 क्योंकि ये मिक्स किए हुए हैं मैंने। ये वाला है हमारे पास 54 साइज। बनाते कैसे हैं, कपड़ा लेना है, कपड़े की जो रोंग साइड होती है उसके यहाँ पे ऐसे बटन रखना है और बटन रख के यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ऐसे इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पे धागा लेंगे, इस तरीके से ये धागा लिया है और यहाँ पे लपेट देते हैं ऐसे। ये ध्यान रहे सेंटर में होना चाहिए हमारा जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कैंची की मदद से यहाँ पे कटिंग कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे ये ऐसे हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरे वाला लपेट लेते हैं, ये यहाँ पे ऐसे रखना है उल्टी साइड से और यहाँ पे सीधी साइड जो हमारी गोलाई आ जाएगी ऐसे, और इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे ऐसे गोलाई के साथ में सेट कर लेंगे और यहाँ पे भी हम धागा ऐसे लपेट देंगे। धागा लपेटने के बाद यहाँ पे कटिंग कर देंगे,
तो ये देखिए 58 और 54 दोनों साइज हमारे हो गए हैं। अब इनके हमें लेने हैं दूसरे खोल, एक तो ये वाला होता है जिसमें छेद होते हैं और एक यहाँ पे ये छोटे वाला होता है इसमें भी हमारे यहाँ पे छेद होंगे ऐसे। अब तैयार करने के लिए ये बड़ी डाई है तो बड़ी डाई को हम यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कैसे यूज करते हैं। देखिए ये चीज है, ये स्प्रिंग में ऐसे डालनी है और यहाँ पे ये ऐसे डालनी है और यहाँ पे इस तरीके से इसको रखते हैं। नीचे की साइड हम यहाँ पे जो ये होल वाला है ये पीस ऐसे रखेंगे, उल्टी साइड से इस तरीके से डाल देंगे ऐसे। सीधी साइड में ये हमारा जो डाई है ये इस तरीके की होती है, इसमें बीच में एक गोला होता है, जो ये गोलाई वाली साइड है गहराई वाली ये हमें यहाँ रखनी होती है और इसमें पूरा फिट करना होता है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे फिंगर रखनी है और यहाँ पे इसको सेट कर देना, ये डाई अपने आप सेट हो जाएगी। अब हम ऊपर से यहाँ पे प्रेस करते हैं ऐसे हैंड के द्वारा और दो बार ऐसे दबा देते हैं, तो दो बार दबाने के बाद यहाँ पे हमारा ये बटन ऐसे तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे ये बटन तैयार होके आता है। अब हम दूसरा भी सेम ऐसे ही तैयार करेंगे, तरीका सेम होता है, यहाँ पे भी हमने जो ये डाई है इसको ऐसे रख लेना है और इसमें रखना है ये वाला जिसमें छेद है सुई के लिए, और ये भी सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से ये बटन रखेंगे और यहाँ पे ऐसे रखते हुए इसको भी प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारा बटन ये तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे घर में ही डाई के द्वारा ये बटन बना सकते हो। और जो इसके कुल खर्च की बात करें तो टोटल जैसे मैंने खर्च की बात की है तो ये 1200 रुपए की तो हमारी मशीन आती है 1200 की, और डाई सहित आती है, और जो इससे आपको बटन लेने पड़ेंगे वो अलग से लेने पड़ेंगे, 350 का हमारा डब्बा आता है बटनों का, और साइज इसमें आप कोई भी ले सकते हो, इससे बड़े साइज भी आते हैं और इससे छोटे साइज भी आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर में बटन बना सकते हो बड़ी ही आसानी से, क्योंकि अगर आप सिलाई का काम करते हो तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये जरूरी होती हैं, घर में रखनी ही, जहां पे भी आपकी शॉप है वहां पे रखनी जरूरी होती है। तो दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो ये थी कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा सकूं और क्या क्या आपको सिलाई के काम में जरूरत होती है और क्या क्या आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। इसी तरीके की और जानकारी लेने के लिए साथ ही मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी है, इस तरीके की जानकारी आपको और चाहिए तो मैं जरूर इसी तरीके की आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।